हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल नर्सरी टू वर्सिटी पे स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज थर्ड मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं अपन, क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड। ठीक है, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के दोनों ही सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 3rd की थ्योरेटिकल पार्ट देख चुके हैं जो एक्सरसाइज 3.1 से पहले है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा है पहले वो वाला वीडियो देखिए, थ्योरेटिकल वाला पार्ट, फिर आप एक्सरसाइज के ऊपर आइए। आज अपन एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट अपने पास अपनी बुक भी रख सकते हैं, और वैसे हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख भी रखे हैं। या आपको और सूटेबल चाहिए तो आप, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप हिंदी मीडियम की बुक अपने साथ रख लें, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंग्लिश मीडियम की अपनी बुक साथ रख लें। ठीक है, बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड पर हमने लिख रखा है। ठीक है, ओके बेटे स्टार्ट करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे 2 × 4, देन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसका ऑर्डर क्या है, 2 × 4 है। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, देखिए अगर मैं इसको प्रॉपर बनाता हूँ, अच्छा देखिए आंसर से बनना, मैट्रिक्स ए जो आप बनाएंगे इसका ऑर्डर है 2 × 4। 2 × 4 बोलेंगे मतलब दो रो हैं आपके इसके अंदर, कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो एलिमेंट होंगे 8। कैसे समझना एक बार, फर्स्ट एलिमेंट a11, मैंने i का मान भी 1 लिया, j के मान भी 1, i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, a22 a23, और ऐसे a24। कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कितने बच्चे, 8, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 × 4 है, आप इन नंबर्स को 2 × 4 कर दीजिए, 8, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4। 4 × 4 का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स चाहिए आपको, यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। तो ध्यान है, इकाई मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़िए अपन ने। इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हों आपके, 1 हो, इकाई हो, या अदिश मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हों, इकाई बन जाए, एक हो जाए। तो 4 × 4 ऑर्डर है, तो 4 कॉलम 4 ही रहोगे बेटा, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट होंगे 1, उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो इकाई मैट्रिक्स, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, थ्योरेटिकल वाले पार्ट में वाला अगर याद नहीं आपको तो वापस जाके उसको देखिए। ठीक है, आपको थ्योरी अच्छे से याद होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए सारे अच्छे से। अगर कंसेप्ट पता होंगे तो आप एक्सरसाइज खुद ही कर लेंगे, 50% खुद ही कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, इफ के प्लस 4 − 1 3 k − 6 इक्वल टू a − 1 3 − 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू बतानी है, या आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी दो इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। जैसे इस वाले एलिमेंट के संगत कौन है, ए है, इसके संगत कौन है, −1 है, 3 के संगत 3 है, k माइनस 6 के संगत कौन है, −4 है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, k प्लस 4 इक्वल टू a, k प्लस 4 इक्वल टू a, एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू −4। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, −4 + 6 = 2, k की वैल्यू नहीं 2 है, k की वैल्यू आप करिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो a इक्वल टू k प्लस 4, देन a इक्वल टू 2 + 4 = 6, तो ए की वैल्यू क्या होनी है, 6। ठीक है, क्या कंसेप्ट लगाया, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन,
What are the possible order of matrix having six element? कि एक मैट्रिक्स में छह अवयव हैं तो उसके संभावित क्रम क्या होंगे, ऑर्डर्स क्या होंगे बताइए। कितने एलिमेंट हैं? सिक्स। जो ऑर्डर्स होंगे हो सकता है वन इंटू सिक्स, वन बाई सिक्स की बन जाए। एक ही रो सिक्स कॉलम, समझना कैसे? जैसे मैंने बोला जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स कॉलम हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और रो क्या वन ही है तो वन बाई सिक्स हो सकता है, ऐसे सिक्स बाई वन भी हो सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? सिक्स बाई वन, कितनी रो हैं? सिक्स रो हैं ऐसे, और कॉलम कितना है? एक ही है, या फिर टू बाई थ्री, टू बाई थ्री ऑर्डर का, दो रो हो तीन कॉलम हो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये टू बाई थ्री ऑर्डर का हो सकता है, या थ्री बाई टू का ऑर्डर का, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तीथ थ्री बाई टू ऑर्डर का। ओके, तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है? वन इंटू सिक्स, सिक्स इंटू वन, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू टू, चार ही टाइप की हो सकती है मैट्रिक्स, ठीक है, चार ही ऑर्डर पॉसिबल है आपके, वन इंटू सिक्स, सिक्स इंटू वन, टू इंटू थ्री एंड थ्री इंटू टू। ओके, इन चार में कोई समस्या, कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आया था ना आपको? आसान आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होगा तो बहुत आसान है, और मैट्रिक्स सबसे आसान चैप्टर ट्वेल्थ क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑर्डर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हमें एक दो बाई दो का मैट्रिक्स बनाना है, पता करना है उसके जो एलिमेंट हैं वो किस प्रकार दिए गए हैं, किस कंसेप्ट पे, मतलब किस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये ए आई जे इक्वल टू टू आई माइनस जे अपॉन थ्री आई प्लस जे, इस पहला वाला पार्ट देखिए बच्चे, हमें टू बाई टू ऑर्डर का क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। अगर टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? फोर, फोर एलिमेंट आना है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ ऐसे ए आई जे इक्वल टू, तो फर्स्ट एलिमेंट ए वन वन, फिर ए वन टू, फिर ए टू वन और ए टू टू, हमें चार एलिमेंट पता करने हैं, और जो फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है वो आपको इस फॉर्मूले से अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे बच्चे ए वन वन फाइंड करना है तो इस टू आई माइनस जे यानी ए आई जे में जहाँ जहाँ आपका आई और जे आया है वहाँ क्या पुट कर दीजिए। जैसे ए वन वन फाइंड करना है तो आई का मान वन, जे का मान वन, जैसे ए वन वन आई भी वन और जे भी वन, तो टू इंटू वन और माइनस वन, ए वन वन आ गया टू इंटू वन माइनस वन अपॉन थ्री इंटू वन माइनस वन, तो टू माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, तो वन अपॉन टू, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? वन अपॉन टू। ऐसे ए टू वन ए वन टू, सॉरी ए वन टू फर्स्ट होगा सेकंड कॉलम, अब आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू टू, तो टू इंटू वन माइनस टू अपॉन थ्री इंटू वन माइनस का टू, तो ऊपर है जीरो अपॉन वन, वैल्यू आएगी जीरो, टू इंटू वन माइनस टू, ऊपर जीरो बन गया, और वैल्यू जीरो होगी। ए टू वन सेकेंड होगा फर्स्ट एलिमेंट, तो टू इंटू टू माइनस वन अपॉन थ्री इंटू वन टू माइनस वन, जे की वैल्यू क्या वन है, आई की वैल्यू टू है, तो फोर माइनस वन थ्री, सिक्स माइनस वन फाइव, तो यह थ्री अपॉन फाइव। ऐसे ए टू टू ये वाला एलिमेंट डिफाइंड करना है, तो आई की वैल्यू टू, जे की वैल्यू टू, तो टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू टू माइनस टू, तो फोर माइनस टू टू, थ्री सिक्स फोर, तो ये वैल्यू क्या वन बाई टू, तो फर्स्ट एलिमेंट मिला वन बाई टू, फिर जीरो, फिर थ्री बाई टू और वन बाई टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दें इनके, जब इसमें रखेंगे तो आपको जब आप मैट्रिक्स ए आएगी एक पास, मैट्रिक्स ए जो होगी वो क्या होगी, वन बाई टू, ये जीरो, ये थ्री बाई फाइव और ये वन बाई टू, ये आपका आंसर होगा। हमें टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स पता करना था जिसका जो एलिमेंट है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, यहाँ पर आई का मान वन, जे का मान वन, तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू टू, सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा, आई की वैल्यू टू, जे का मान वन, तो थर्ड एलिमेंट ये वाला, ए टू टू, आई का मान भी टू, जे का मान टू, यहाँ पुट करने हैं, सॉल्व कर लो, ठीक है,
समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप खुद करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए। फिर से यहाँ पर ए वन वन फाइंड करना, तो आई का मान वन, जे का मान वन, ऐसे रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करता हूँ, देखो मैं, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट इसी का। इसमें ए आई जे इक्वल टू वन प्लस टू आई का होली स्क्वायर, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि सही लिखा क्या, आई प्लस टू जे है, यहाँ के लिखा बच्चे आई प्लस टू जे, ओके। देखिए आई प्लस टू जे अपॉन में टू आई, अपॉन में टू आई, ए वन वन, आई का मान वन, जे का मान वन, तो वन टू इंटू वन का होली स्क्वायर अपॉन टू इंटू वन, क्या एलिमेंट आएगा ये, टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाई टू। सेकेंड एलिमेंट ए वन टू, आई का मान वन, जे की वैल्यू टू, तो वन प्लस टू इंटू टू का होली स्क्वायर अपॉन टू इंटू वन, तो टू टू जा फोर, फोर वन फाइव, ट्वेंटी फाइव अपॉन टू। ऐसे ए टू वन, ए टू वन, आई का मान टू, जे का मान वन, तो टू प्लस टू इंटू वन का होली स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई फोर, तो क्या है वैल्यू फोर। ए टू टू, आई का मान भी टू, जे का मान भी टू, तो टू प्लस टू इंटू टू का होली स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू, तो टू टू जा फोर, टू सिक्स, सिक्स थर्टी सिक्स अपॉन फोर, नाइन। तो फर्स्ट एलिमेंट है नाइन बाई टू, सेकेंड एलिमेंट ट्वेंटी फाइव बाई टू, फोर और नाइन। तो मैट्रिक्स जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके, आप कैसे करेंगे, नाइन बाई टू, ट्वेंटी फाइव बाई टू, फोर एंड नाइन, ओके। समझ में आए? ऐसे थर्ड पार्ट आपका, वीडियो को पॉज करें, पहले करने की कोशिश करें, फिर सोल्यूशन देगा, ठीक है। चलो करने की कोशिश करो, कर लिया? अगर कर लिया तो अब बोर्ड पे देखिए अपना आंसर मैच करना। थर्ड वाला पार्ट, ए आई जे, ए आई जे इक्वल टू टू आई माइनस थ्री जे, तो ए वन वन क्या होगा, टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू वन, तो टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन। ए वन टू, टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू टू, तो टू माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फोर। ए टू वन, टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू वन, यहाँ पर आई की वैल्यू टू है, जे की वैल्यू वन है, ठीक है। तो टू इंटू टू, थ्री इंटू वन, फोर माइनस थ्री वन। ए टू टू, सेकेंड होगा सेकेंड एलिमेंट, टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू टू, तो फोर माइनस सिक्स माइनस का टू, तो के पास मैट्रिक्स ए जो होगी क्या बनेगी, टू बाई टू ऑर्डर की, फर्स्ट एलिमेंट माइनस वन, फिर ये माइनस का फोर, फिर वन और ये माइनस का टू, ये आपका आंसर। समझ में आया? आसान है, टू बाई टू ऑर्डर के मैट्रिक्स में चार एलिमेंट फाइंड करने हैं आपको, फर्स्ट एलिमेंट ए वन वन, फिर ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू, यहाँ पर आई का मान वन, जे का मान वन, अगर ए टू वन निकाल रहे हैं तो आई का मान टू, जे का मान वन, ये वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए, ए आई जे ऑफ ऑर्डर टू बाई थ्री, हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे इक्वल टू वन बाई टू, टू आई माइनस थ्री जे, ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जैसे कि था सेम मजेटिज वैसे, सिर्फ यहाँ पर क्या गया, मॉडुलस आ गया, ठीक। मॉडुलस का मतलब सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। जैसे मुझे ए वन वन फाइंड करना, पहला एलिमेंट ए वन वन, तो अगर सर आई का मान वन, जे का मान वन पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो वन बाई टू, टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू वन, तो चाहे वन बाई टू या टू माइनस थ्री, मोड अंदर नेगेटिव माइनस वन आएगा, मोडलस पॉजिटिव कर देगा वन बाई टू आ जाएगा। ऐसे ए टू वन, तो वन बाई टू, टू इंटू, सॉरी ए वन टू निकालिए पहले, ए वन टू,
2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, बचेगा 1 बाई 2, 2 माइनस 6 अंदर माइनस 4, मॉडुलस क्या पॉजिटिव, 4 बाई 2 मतलब 2। ऐसा का ए 13, मैं यहाँ फाइनल दे रहा हूँ ए 21, तो 1 बाई 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 1 बाई 2, 4 माइनस 3 तो पॉजिटिव ही था 1 यानी 1 बाई 2। ऐसे आपका ए 2 सेकेंड एलिमेंट, तो 1 बाई 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 1 बाई 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, मॉडुलस क्या पॉजिटिव, तो 2 बाई 2 क्या 1, क्या 1, तो एक एलिमेंट 1 बाई 2, 2, 1 बाई 2 और 1। तो मैट्रिक्स ए क्या होगी, मैट्रिक्स ए बनेगी आपकी फर्स्ट एलिमेंट 1 बाई 2, फिर 2, 1 बाई 2 और 1, ये आपका आंसर। समझ में आया? आप क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश क्या करिए, फिर आप सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक। जब तक आप फर्स्ट आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं सीख पाएंगे, आप सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं सीख नहीं रहे उसको, है ना। जब तक खुद अप्लाई नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट्स को तो चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7th, इफ ए प्लस बी 2 7 AB इक्वल टू 6 2 7 8 माइनस 3। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल दिख जाएं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तब कहेंगे सर ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, ए प्लस बी की वैल्यू 6 और ए बी इक्वल टू 8। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, सोल्व करना हमें, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लीजिए 8 बाई ए, इसमें पुट कर दीजिए ए प्लस 8 बाई ए इक्वल टू 6, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6 ए, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर करिए इसके, फैक्टर क्या होंगे, ए स्क्वायर माइनस का 4 ए माइनस का 2 ए प्लस 8 इक्वल टू 0, ए कॉमन है तो ए माइनस 4 माइनस 2 कॉमन है तो बच्चे ए माइनस 4 इक्वल टू 0, दो वैल्यू होंगे ए की 4 और 2। ये फैक्टर करने आते ही नहीं आते, और 12th क्लास में आ चुके ना, ये 10th वाली बातें करने आनी चाहिए आपको, फैक्टर सब आने चाहिए। ए का मान 4 और 2, ठीक है। बी में अगर यहाँ पुट करते हैं तो बी की वैल्यू, जब ए की वैल्यू 4 है तो देखो बी बाई ए है, 8 बाई ए सॉरी, ये क्या है 8 बाई ए, ए की वैल्यू 4 तो बी की वैल्यू 2, और 2 तो 4, तो बी का मान में क्या है 2 एंड 4, ठीक है। हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए थी आपकी, ए की वैल्यू अगर 4 है तो बी की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 4 है, ठीक। या वैसे भी आइडिया लगा सकते, दो नंबर का एडिशन क्या है 6 है, दो नंबर का एडिशन 6 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन 8 आ रहा है, जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 8 आए, तो 4 और 2 6 और 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट इफ 2x, फिर से दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं आपको, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड एंड पी, एक्स वाई जेड और पी की वैल्यू बतानी है आपको, तो कहीं से 2x इक्वल टू 4, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करने इक्वल करने, तो एक्स इक्वल टू 2, ठीक। फिर यहाँ से 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है आपके पास, तो 3 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, देन वाई इक्वल टू माइनस 1, ये 6 माइनस में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। y की वैल्यू आ गई, यहाँ से देखिए माइनस एक्स जेड, माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू माइनस 4, देन जेड इक्वल टू माइनस 4 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, तो माइनस 4 प्लस 2, जेड की वैल्यू भी माइनस 2, जेड की वैल्यू माइनस 2। फोर्थ वाले क्वेश्चन, 3y माइनस 2p इक्वल टू माइनस का 3, ये वाला एलिमेंट इसके क्रॉसपॉन्डिंग है इक्वल होगा, वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 1, पुट कर दिए इसमें, तो 3 माइनस 1 माइनस 2p इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट, तो माइनस 2p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू 0 होगी, जेड की माइनस 2, वाई की वैल्यू माइनस 1, एक्स की 2। कंसेप्ट क्या आपका, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट करने इक्वल कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9th। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल,
where a matrix a given आपको matrix b given है ताकि हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है और matrix a और b क्या है इक्वल है जब भी दो matrix इक्वल होंगे अगर दोनों matrix इक्वल हैं आपकी matrix ये तो a और matrix b इक्वल है तो क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल तो आप देखो ये तो 3 किसके इक्वल होगा c के डायरेक्ट वैल्यू में c की वैल्यू तो c इक्वल टू 3 आ गया ऐसे आपके पास यहां से क्या है 12 c इक्वल टू 6b 12 c इक्वल टू 6b c की वैल्यू कितनी 3 है तो 12 * 3 इक्वल टू 6b 6 2 जा ये 6 आ गया पास b की वैल्यू कितनी है 6 b की वैल्यू 6 आ गई यहां से b plus 2 इक्वल टू a b plus 2 इक्वल टू a तो b का मान क्या है 6 plus 2 इक्वल टू a a की वैल्यू कितनी है बच्चे 8 हमें a b एंड c की वैल्यू चाहिए तो c इक्वल टू 3 b इक्वल टू 6 a इक्वल टू 2 ओके आसान था चैप्टर 3.1 सबसे आसान चैप्टर है इस क्लास 12th का मैट्रिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है आपको बस एक नया वर्ड है जरूर है मैट्रिक्स आपने से पहले कहीं नहीं पढ़ाई मैट्रिक्स क्या है लेकिन एक आसान चैप्टर है अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स है फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ये सब ठीक है फिर प्रॉपर्टीज है इसकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ठीक है वो थ्योरी पढ़ने के बाद में आप चैप्टर को खुद लगाने की कोशिश करिए थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होगा तो आप एक्सरसाइज के 50% क्वेश्चंस खुद ही कर लेंगे जो आसान आसान आएंगे वो ठीक है उसके बाद में एक्सरसाइज देखिए करने की कोशिश करिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा आज का ये वीडियो ठीक है अच्छा लगा होगा अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों से शेयर करिए बताइए कि हम चैप्टर पूरी 12th क्लास पढ़ा रहे हैं आरबीएसई आसाम बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ठीक है बच्चे कोई भी समस्या है कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट में आप कमेंट करिए आपको रिप्लाई करेंगे उस समस्या का कोई गलती हो गई है कोई तो भी आप कमेंट कर सकते हैं इसको हम इम्प्रूव करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही ओके थैंक यू